are you feeling today? I'm pretty nice. Very cold. Very cold. Okay, thank you. I'm also feeling so cold. Yes, listen. Hello. Hello. What are you doing? Good. Yes. We are today we are learning we will learn about goal setting. Okay? गोल सेटिंग क्या होता है ठीक है पहले तो हम लोग गोल सेटिंग जानने से पहले अब लोग गोल होता क्या है आप बता सकते हैं यस आप व्हाट यू वांट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव ओके ठीक है मुझे दो स्टूडेंट चाहिए आप पे नवीन आ जाइए एक मिनट और आप पे आशीष आ जाइए आशीष आपको यहाँ क्या होना है और इस बकेट में आपको इसको बॉल को डालना है ठीक है हाँ इस बॉल को इसमें डालना है ठीक है वेरी गुड आगे बैठिए अपने से डाल दिया डाल दिया सही है ठीक है चलिए आपको भी डालना है ओके वेरी गुड एक छोटा सा एक्टिविटी की है ना इसमें बकेट में बॉल डालना था ठीक है तो इससे क्या होता है ये मिस्टर नवीन ने बॉल को डाल दिया लेकिन मिस्टर आशीष ने नहीं डाल पाया क्यों क्या कारण था कारण ये था कि गोल को हम गोल सेटिंग होना गोल सेटिंग गोल को हम लोग सिनोनिम्स या अदर वर्ड में हम लोग टारगेट भी बोलते हैं ठीक है पहले वाले में मिस्टर नवीन के पास टारगेट सेट था कि मुझे बॉल को ये बकेट में डालना है लेकिन मिस्टर आशीष को ये डिफाइन ये क्लियर नहीं था कि मुझे बॉल उनका गोल ये क्लियर नहीं था कि मैं मुझे क्या करना है ना एक्चुअली में मुझे करना क्या है ठीक है इनको ये पता नहीं लगा कि उनको उन्होंने गोल को टारगेट को सेट नहीं किया ठीक है तो हमारा क्या होता है कि गोल हमारे लाइफ में एक एम होना चाहिए तभी हम सक्सेस करते हैं अदरवाइज हमारा गोल क्या होता है फेल कर जाता है ठीक है ना और हम लोग क्या होते हैं कि अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते जहां तक मुझे पहुंचना चाहिए सक्सेस तक पॉइंट में मुझे मेरी एम है या आप लोगों की एम है अलग अलग सारे लोगों का एम होता है ना आपका क्या एम है सर सोचना पड़ेगा यानी कि आपके पास गोल क्लैरिटी नहीं है यस आई वांट टू बी अ प्रोफेसर यू वांट बेस्ट ओके प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं ठीक है सर क्या बनना है कैसा पता चलेगा क्या सर क्या बनना है कैसा पता चलेगा क्या होता है मैं क्या बनूंगा मुझे कैसा पता चलेगा यस सर वही मैं बता रहा हूँ कि गोल पहले मुझे निर्धारण करना पड़ेगा सेट करना पड़ेगा मुझे ये डिसाइड करना होगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ मेरा इंटरेस्ट किस लेवल पे है कैसे ऐसे करना होगा क्या कि पहले तो सोचना पड़ेगा मुझे कि आखिर मैं अगर किससे मैं प्रेरित होता हूँ किसको देख के मुझे एक्सक्यूज मी हेलो व्हाट आर यू डूइंग आइए आपको क्या करना होगा पहले देखना होगा कौन से लोग से हम इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस किससे होते हैं सोसाइटी से होते हैं हम अपने फ्रेंड्स से होते हैं है ना अगर कोई ऐसा चीज़ जो है मुझे इन्फ्लुएंस कर दे और हम चाहते हैं कि मैं भी उनकी तरफ बनना चाहता हूँ तो आपको मिस्टर ने अभिनव आपको कैसे आइडिया आया कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए आइडिया नहीं जस्ट ये विलिंगनेस है मेरा अपना अंदर का इच्छा है दिस इज माय willingness or you can say desire to be a professor. Okay, ठीक है तो आपको कहीं ना कहीं से उसका आइडिया आया होगा है ना ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए होगा क्या उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए है ना प्लस आपको उससे क्या करना चाहिए कि मुझे एक गोल सेटिंग करें गोल तो आप सेट कर ले लेकिन उसके लिए मुझे क्या आपको क्या करना चाहिए उसको ये उसको पाने के लिए आपको हार्ड वर्क किया है फिर आपको ये टाइम मैनेजमेंट करना होगा है ना क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन होगा थैंक यू फॉर सपोर्ट मी ठीक है तो हम लोग आफ्टर ऑल मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ वो छोटा सा एक्टिविटी क्या ना कि मैं गोल सेट अगर हमारे लाइफ में मैं गोल सेट नहीं करता हूँ तो मेरा गोल फेल हो जाएगा और हर आदमी के लिए लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है ना विदाउट गोल मैं सक्सेस या हम लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे ठीक है दैट्स गुड
टाइम कॉन्टेक्ट में बस बहुत बढ़िया यार, और मैनेजमेंट इसके बाद टाइम मैनेजमेंट दी बेस्ट इसको मार। वॉइस क्लैरिटी की सर बहुत वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छा है क्लास सर, गेम बहुत अच्छा है और गेम तो क्या बहुत बढ़िया है, दैट्स गुड। ओके ये क्या प्लीज सर, टाइम इंक्रीमेंट्स व्हाई Next ma'am, yours coming. Nice sir, bye.